तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग कैसे स्क्रीम्स ज्वाइन कर सकते हो, लाइक T3 T2 वगैरह कैसे ज्वाइन कर सकते हो, कैसे रजिस्टर कर सकते हो एंड कैसे खेल सकते हो, पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड कैसे आपका आईडी पास मिलेगा, पूरा थिंग्स जो है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो को देखो, स्किप मत करना। अगर स्किप करोगे तो अगर बाद में कुछ इशूज़ होंगे तो मेरे को मत बोलना, ठीक है। तो बढ़ते वीडियो की तरफ। अगर वीडियो आपको भी लगे कि हेल्पफुल है आपके लिए तो प्लीज़ यार वीडियो को ज़रूर ज़रूर लाइक करना, कमेंट करके बताना कि ये आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं, एंड चैनल के ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करना जो रेड कलर का बटन दिख रहा है। तो देखिए, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको सिंपली सर्वर का लिंक दे दूँगा, ठीक है, जिस सर्वर पर बेस्ट स्क्रीम्स के जो है लॉबी आपको मिल जाएगा। तो आपको सिंपली सर्वर को लिंक पे टैप करके जो सर्वर ज्वाइन कर लेना, डिस्कॉर्ड सर्वर, एंड आपको टीममेट्स को भी लिंक देकर उनसे भी ज्वाइन करा लेना है, ठीक है। उसके बाद आप देखो, मैं नीचे के सिंपली थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँगा तो नीचे आपको दिख रहा होगा T3 स्क्रीम्स, ओके। तो इधर T3 जो है हाउ टू रजिस्टर के एक सेक्शन पे मैं क्लिक करूँगा, एंड उसके बाद जो मैं फॉर्मेट जो होता है नॉर्मल रजिस्ट्रेशन जो फॉर्मेट होता है वो मैं फॉर्मेट को कॉपी कर लूँगा। फॉर्मेट में कुछ नहीं होता, सिंपली प्लेयर 1 प्लेयर 2 प्लेयर 3 एंड प्लेयर 4 का जो है डिटेल्स भरना होता है, लाइक कैरेक्टर ID, इन गेम नेम, ऑल्सो डिस्कॉर्ड टैग। डिस्कॉर्ड टैग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डिस्कॉर्ड टैग अगर यूज़ नहीं करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल नहीं होगा। तो सिंपली देखो, मैं फॉर्मेट को सिंपली टैग चेक में पेस्ट कर लूँगा कि मेरा टैग जो है सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक बार चेक करने के लिए। तो सिंपली मैं एक बार टीम नेम जो है, ठीक है, तो आप आपके टीम में नेम डाल देना जो आपका टीम नेम है, एंड देन प्लेयर 1 का कैरेक्टर ID, प्लेयर 1 इन गेम नेम, एंड ऐसे करके, एंड डिस्कॉर्ड टैग। डिस्कॉर्ड टैग के लिए आपको सिंपली क्या करना है, @ देकर आपका जो भी प्लेयर का नेम है उसको टैग करना है, ठीक है। कभी टीममेट के अलावा कोई दूसरे का टैग यूज मत करना, नहीं तो क्या होता है कि स्लॉट कैंसिल हो जाता है आपका, ठीक है। तो सिंपली इधर मैं मेरा टैग, खुद का टैग यूज करूँगा एंड मेरा टीममेट्स का टैग यूज करूँगा, ठीक है। सिंपली ऐसे करके मैं प्लेयर 2 प्लेयर 3 एंड प्लेयर 4 जो है पूरा डिटेल्स में भर लूँगा सिंपल से, ये आप लोग देख सकते हो, ठीक है। एंड देन आप लोग देख सकते हो कि सब्स्टिट्यूट प्लेयर, ये कंपलसरी नहीं, आप चाहो तो दे सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं दे सकते। आपका अगर 5th मैन है तो दे सकते हो, नहीं तो नहीं। तो मेरा तो फिलहाल तो हम लोग 4 ही बंदे खेलते हैं, तो सिंपली इसको मैं इरेज कर दूँगा, एंड देन इसको सिंपली जो है सिंपली टैग चेक जो है T3 टैग चेक इस सेक्शन में सेंड कर दूंगा। तो सेंड करने के बाद आप लोग देख सकते हो कि बॉट की तरफ से एक रिस्पॉन्स आया कि हाँ, टीम नेम MI के एंड 4 टैग, ठीक है, मतलब फॉर्मेट जो है, फॉर्मेट हमारा सही से वर्क कर रहा है। तो सिंपली फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो फॉर्मेट है इसको डायरेक्ट कॉपी पे मत क्लिक करना, कहीं भी क्लिक करके जो कॉपी टेक्स्ट का आता है उस पर क्लिक मत करना, उस पर क्लिक करोगे तो टैग कॉपी नहीं होता, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना, एडिट के बटन पर क्लिक करना, देन जो है एडिट के बटन पर क्लिक करने के बाद पूरे को सिलेक्ट कर लेना एंड देन कॉपी कर लेना। तो आपको कीबोर्ड में सिंपली कॉपी हो जाएगा, देन पेस्ट करके बस सेंड करके मैं दिखा देता हूँ। देखो सेंड किया, देखो सिंपली टिक मार्क जो है, टिक मार्क भी आ गया एंड 4 के 4 टैग वर्क है, आप लोग खुद देख सकते हो सामने। अगर आप इसको कॉपी टेक्स्ट करते ना तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ टैग वर्क नहीं करता। तो इसलिए प्लीज़ एडिट करो, देन सिलेक्ट ऑल करके कॉपी कर लो। अभी सिंपली आपको क्या करना है कि लाइक जब रजिस्ट्रेशन ऑन होता है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन टाइमिंग आप लोग देख सकते हो कि लेफ्ट साइड में देखो 1 PM का, अगर मेरे को 1 PM का कस्टम खेलना है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन होता है 11 AM को। ऐसे करके हर 2 मिनट के गैप में जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चलता है, 1 बजे से लेकर 10 बजे तक चलता है, ठीक है। आपको सर्वर ज्वाइन करके चेकआउट कर लो, ठीक है। तो सिंपली क्या करना है, जब ऑन होता है तो 11 बजे के लिए मैं वेट करूँगा सिंपली। तो 11 बजे के बाद जो है आप लोग देख सकते हो कि जस्ट मतलब इधर जो है टैप करूँगा मैं लाइक 1 PM रजिस्ट्रेशन पे, तो रजिस्ट्रेशन अभी ओपन ही है, यू हैव डू नॉट परमिशन। तो घबराने का बात नहीं है, 11 बजे एग्जैक्टली 11 बजे जो है ओपन हो जाएगा, ओके। तो हम लोग वेट करेंगे लाइक 11 बजने का, तो थोड़ी देर में जस्ट तो 11 बजे वापस आएंगे, ठीक है। तो इधर सिंपली टैप करके जो है आपको मतलब फॉर्मेट सेंड करना है, ठीक है। 11 बजे रजिस्ट्रेशन ओपन होता है तब, देखो 11 बजने वाला है अभी, ठीक है, हम लोग थोड़ा सा वापस आ चुके हैं। तो 11 बजने वाला है, आप लोग देख सकते हो लिटरली 11 बजे 11 AM को ही जो है गाइस ये सेक्शन ऑन होगा, आप लोग जस्ट देखो, ठीक है। अभी जो है ऑन नहीं है, देखो यू डू नॉट हैव परमिशन, तो ये लिख के आ रहा है अभी भी। तो 11 AM होने के साथ साथ जो है ये रजिस्ट्रेशन सिंपली खोलेगा एंड ओनली 20 से 22 स्लॉट लेगा एंड देन ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा। तो सिंपली मैंने इसलिए कॉपी करके रखा है कि मेरे को टाइप ना करना पड़े, मैं ऑन होते ही पेस्ट करूँगा एंड जो है मैं सेंड कर दूँगा, ठीक है। देख सकते हो जो है स्क्रीन पर 11 बजते देखो ओपन हो गया, देखो सब लोग सेंड करते, मैं भी सिंपली इसको क्लिक करके पेस्ट करूँगा एंड मैं सेंड कर दूँगा। एक बार देखो, सेंड करने के साथ साथ मेरा टिक मार्क आ गया, इसका मतलब ये है कि मेरा जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली इधर हो चुका है। तो थोड़ी देर के अंदर मेरे को रोल भी मिल जाएगा, स्लॉट लिस्ट में मेरा नेम भी दिख जाएगा एंड ID का जो सेक्शन है, जिस सेक्शन पर ID पास आएगा वो सेक्शन भी आपको शो हो जाएगा, ठीक है। आपको मैं दिखा दूँगा, कोई इश्यूज़ नहीं, आपको मैं दिखा दूँगा।
तो देखो सिंपली अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन खत्म होने के साथ साथ जो है हम लोग का स्लॉट लिस्ट भी आ जाएगा। आप लोग देख सकते हो लॉटरी स्लॉट लिस्ट भी आ चुका है, ठीक है। एकदम नीचे से, एकदम नीचे सेक्शन जाओगे तो स्लॉट लिस्ट और इधर देख लो परमिशन नहीं है अभी मैसेज सेंड करने का। तो मेरा जो है स्लॉट नंबर 16 पे देखो टीम EMI के स्पोर्ट्स, तो स्लॉट लिस्ट पे मेरा नेम आ चुका है, इसका मतलब मेरा स्लॉट कन्फर्म हो चुका है। तो मैं सिंपली थोड़ा सा जो है ऊपर की जो 3 लाइन है फिर से उस पर क्लिक करूँगा और उसके बाद देखो ठीक रजिस्ट्रेशन चैनल के नीचे ही आपको दिख जाएगा T3 IDP के कैटेगरी में 1 PM IDP बोल के एक सेक्शन, ठीक है। सिंपली देख सकते हो लोग 1 PM IDP बोल के सेक्शन, तो सिंपली इस सेक्शन पर क्लिक करना। तो इस सेक्शन पर आपको आईडी पास मिलेगा। एक बार ये मैच है तो 12:50 को इस सेक्शन पर आपका आईडी पास मिल जाएगा एंड आपको स्लॉट लिस्ट तो ऑलरेडी ऊपर दिख चुका है, तो स्लॉट लिस्ट एंड आईडी पास आपको जो है दिख जाएगा, ठीक है। तो सिंपली वो स्लॉट लिस्ट आपका स्लॉट लिस्ट 16 है मेरा एंड आईडी पास तो 12:50 को मिलेगा। तो सिंपली मैं रूम ज्वाइन करके उस सेक्शन में बैठ जाऊंगा, नहीं तो अगर मैं कोई दूसरा स्लॉट पर बैठा तो की होने का चांसेस बहुत है। तो आप लोग देख सकते हो लिटरली 2 PM का जो है रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ऑन हो चुका है, लाइक 11:00 बज चुके, तो इसलिए 2 PM का भी ऑन हो चुका है। आपको जिस जिस टाइम का खेलना है 1 बजे से लेकर 10 बजे तक जिस टाइम का भी खेलना है आप वो टाइमिंग का जो है रजिस्ट्रेशन करो एंड सिंपल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है 4 टैग के साथ एंड टीम नेम 4 टैग एंड जो है नॉर्मल फॉर्मेट, तो रजिस्टर करके आप लोग बिल्कुल खेल सकते हो। और उसके साथ अगर आपका परफॉर्मेंस T3 में बेस्ट रहा तो आपको जो है T2 एंड T1 के लिए जो है प्रोमोट करते जाएंगे, सर्वर के जो है मॉड्स है वो लोग प्रोमोट आपको करते जाएंगे, वो डिपेंड करते हैं कि आपके कैसे परफॉर्मेंस है। तो बेस्ट लॉबी अगर आपको खेलना है T3 के एंड T2 के एंड बाकी अगर स्क्रीम्स आपको सच में कुछ कंपेटिव में कुछ करना है स्क्रीम्स खेलना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वेट किस बात का कर रहे हो, जाओ फटक से ज्वाइन करो एंड T3 में मचाओ गाइस। तो आज का वीडियो बस इतना तक ही था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए, प्लीज़ यार लाइक जरूर कर देना एंड हो सके तो शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच।